वो डेवलप देश हो गया, ये छोटे छोटे देश तरक्की कर रहे हैं, अफ्रीकन देश तरक्की कर रहे हैं, और हमारा प्रधानमंत्री क्या कर रहा है? हमारा प्रधानमंत्री दिल्ली में दंगा कराएगा, हिंदू मुसलमान करेगा, और उसके बाद क्या करेगा जानते हैं? आखिर हो क्या रहा है दिल्ली के अंदर? पूरे के पूरे सरकार को पंगू बनाने की षड्यंत्र की जा रही है। पीने का पानी रोक करके कुछ नहीं मिलेगा, पाप मिलेगा, पर दुआएं मिलेगी, मिल भी रही है। और दिल्ली की जनता को बेवकूफ मत समझना, समझदार नहीं होते तो 25 साल का बनवास भाजपा को अभी तक नहीं मिलता। इकॉनमी नहीं सुधर रही थी तो ये लोग नोटबंदी कर दिए, इकॉनमी और गर्क हो गया। चौथी पास राजा का स्टोरी इस सदन में बहुत बार सुनाया गया है। ये लोग खुद तो कुछ कर नहीं सकते, और जो कर रहा है ये बहुत बड़ा धावक है, उसको बोलते हैं उसेन बोल्ट, बहुत तेज दौड़ता है। तो ससुरा तेज, बहुत तेज दौड़ता है, इसका पैर बांध दो, दौड़ेगा कैसे? जिससे कॉम्पिटिशन नहीं कर सकते उस बोल्ट का पैर बांध दो ताकि दौड़ ना पाए। जैसा कि अभी 280 में भी बहुत सारे साथियों ने दिल्ली जल बोर्ड से संबंधित इश्यूज को उठाया, अध्यक्ष जी पूरे दिल्ली के अंदर में ऐसी स्थिति दिल्ली जल बोर्ड में क्रिएट हो गई है कि पानी के टैंकर के पैसे भी देने को नहीं है, रिपेयर मेंटेनेंस के पैसे नहीं है, लेबर के पैसे नहीं है। और मैं तो जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से आता हूँ वहाँ पे पूरी क्षेत्र के अंदर ही सीवर का काम चल रहा है, एक साथ 5000 गलियाँ और सड़कों पे सीवर का काम चल रहा है। और जाहिर सी बात है अनऑथराइज कॉलोनीज के अंदर में कुछ भी प्लान नहीं है, तो उसकी वजह से जब खुदाई होती है तो कंपैरेटिवली दूसरी जगह से वहाँ पे क्या होता है कि पानी की लाइन डैमेजेस ज़्यादा होते हैं। और पानी की लाइन अगर एक बार डैमेज हो गया तो सोचिए, अगर आपके पास उसको रिपेयर करने का पैसा ना हो और साधन ना हो, तो एक तरफ तो हमारी गली खुदी हुई है, एक तरफ बरसात में वाटर लॉगिंग है, दूसरी तरफ जो पीने का पानी है वो भी बिल्कुल गंदा आ रहा है, बदबूदार आ रहा है, और एकदम नालियों जैसा पानी आ रहा है, इतना कंटेमिनेटेड वाटर है। तो आप सोच सकते हैं कि स्थिति इतनी खराब हो चुकी है, इतनी खराब हो चुकी है कि हमारी जो बहनें हैं, माताएं हैं, जो घर चलाती हैं, हमारे भाई तो चलो सुबह टिफ़िन लेकर के फैक्ट्री पे चले जाते हैं, काम पे चले जाते हैं, लेकिन वो माताएं बहनें सोचिए कि चूल्हा चौका, बच्चों का देख रेख करके, घर का देख रेख करके, मतलब रोज़ का ये हो गया है कि MLA ऑफिस पर एक एक कॉलोनी से 200-200 महिलाएं आती हैं और हम लोग उनको जवाब नहीं दे पाते हैं कि कहें तो कहें क्या, क्योंकि कोई ऐसा टाइमलाइन नहीं है कि कब तक ठीक होगा। और पानी से ज़्यादा तो बुनियादी चीज़ कोई हो नहीं सकती है। हम लोग लगातार अपने मंत्री सौरभ भारद्वाज जी को भी तंग करते हैं, हम अपने वाइस चेयरमैन सोमनाथ भाटी जी से भी बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी जवाब ऐसा नहीं मिल पाता है, मतलब उनके पास भी नहीं है। आखिर हो क्या रहा है दिल्ली के अंदर? पूरे के पूरे सरकार को पंगू बनाने की षड्यंत्र की जा रही है अध्यक्ष महोदय। एक सेक्रेटरी है फाइनेंस का, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, वो एक फाइल में 36 ऑब्जेक्शन लगाता है, मतलब कैसे काम ना हो इसके लिए ये अफसर लोग काम करते हैं। अरे UPSC ने, देश ने इतने बड़े बड़े ऑफिसर को तैयार किया है, देश का इतना पैसा लगा करके काम कराने के लिए तैयार किया है या काम रोकने के लिए तैयार किया है? ऐसे ऐसे लोग हैं। फिर हम लोगों ने कोशिश किया जानने का कि भाई ऐसी क्या मजबूरी है इन अफसरों की कि पानी जैसी मूलभूत चीजों को रोकना चाहते हैं। तो क्रोनोलॉजी को समझिए, जब निगम के चुनाव थे दिल्ली में तब मोहल्ला क्लिनिक का दवाई रोक दिया, यही लोग थे फाइनेंस सेक्रेटरी सब। जब निगम के चुनाव थे तो बुजुर्गों का पेंशन रोक दिया। मैं ऐसे बहुत सारे बुजुर्गों को जानता हूं अध्यक्ष जी, जो कि पूरी तरीके से डिपेंडेंट ही पेंशन पर हैं। दोनों वाइफ हस्बैंड का जो पेंशन आता है 4,000 या 5,000 रुपया, उसी से पूरा परिवार, मतलब उनका जो गुजर बसर है उसी से चलता है, फ्री बिजली, फ्री पानी और पेंशन से ही चलता है। ऐसे ऐसे परिवार भी हैं। अगर ऐसे किसी व्यक्ति का अगर 6 महीना पेंशन ना दिया जाए तो आप सोच सकते हैं इससे ज्यादा अवमान्य कुछ हो सकता है? CCTV कैमरा के लिए किस तरीके से मंत्रियों को धरना देना पड़ा था लेफ्टिनेंट गवर्नर के घर पर, आपने देखा। ये DERC का चेयरमैन का जो झमेला किया गया, क्यों किया गया? गरीबों का सब्सिडी कैसे रोका जाए, फ्री बिजली कैसे रोका जाए, ये पानी को रोकना चाहते हैं। ये नगर निगम को 15 साल में पंगू बना दिया, दिल्ली जल बोर्ड को पंगू लगभग बनाने के कगार पर है। तो इस पूरी बात को समझने की कोशिश करिए कि सारा मैटर है पॉलिटिकल। पॉलिटिकल मैटर यह है कि बहुत बड़ा धावक है, उसको बोलते हैं उसेन बोल्ट, बहुत तेज दौड़ता है। तो ससुरा तेज, बहुत तेज दौड़ता है, इसका पैर बांध दो, दौड़ेगा कैसे? मतलब आप जिससे कंपटीशन नहीं कर सकते उस बोल्ट का पैर बांध दो ताकि दौड़ ना पाए। अरे ऐसे कोई रुकने वाला है?
2013 में हमने इनको हराया, 2015 में हराया, 2020 में हराया, 2022 में हराया, अब ये 2024 भी हारेंगे, 25 भी हारेंगे, जो इनकी करतूत है। अरे प्रधानमंत्री का काम ये रह गया है कि एक अर्ध राज्य के मुख्यमंत्री को काम के ना करने दिया जाए, इसके लिए रोकना। अरे उनको इस बात की चिंता करनी चाहिए, उनको सीखना चाहिए कि हमारा पड़ोसी चाइना है, 1990 तक हमारे बराबर था और आज वो हमसे 3 गुना आगे कैसे निकल गया, उसकी इकॉनमी कैसे निकल गई, आज वो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कैसे बन गया। हमारे पड़ोस में एक देश सिंगापुर है, उसके पास कोई नेचुरल रिसोर्स नहीं है अध्यक्ष जी, कुछ भी नहीं है उसके पास, बंजर था, पेड़ पौधे भी नहीं थे, वो देश आज इतनी तरक्की कैसे कर गया। जापान जो ऑलमोस्ट राख में मिल गया था वर्ल्ड वॉर टू के अंदर में, हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर में एटम बम गिराया गया, वो देश आज कहां खड़ा है, किस तरीके से बुलेट ट्रेन चला रहा है, किस तरीके से उसकी इकॉनमी है, किस तरीके से देश डेवलप कर गया। वो जर्मनी जिसको दोषी माना गया था वर्ल्ड वॉर टू के अंदर में, जिसके 3 टुकड़े कर दिए गए थे वर्ल्ड वॉर के बाद, एक शहर के अंदर दीवार खड़ी कर दी गई थी, उसको वॉल ऑफ बर्लिन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो देश तरक्की कर गया, वो डेवलप देश हो गया। ये छोटे छोटे देश तरक्की कर रहे हैं, अफ्रीकन देश तरक्की कर रहे हैं, और हमारा प्रधानमंत्री क्या कर रहा है? हमारा प्रधानमंत्री दिल्ली में दंगा कराएगा, हिंदू मुसलमान करेगा, और उसके बाद क्या करेगा जानते हैं? एक योजना चलाए, देखिए फेल्ड लोगों की निशानी क्या होती है। बड़ा आप किसी पेट्रोल पंप पे जाएंगे तो देखेंगे प्रधानमंत्री जी 2 सिलेंडर लेकर खड़े हैं घर पेट्रोल पर। मैं एक बार लेह लद्दाख चला गया ऐसे ही घूमने के लिए, तो मैंने देखा वहां पर भी जो सबसे टॉप पे 18,500 फीट के ऊपर में एक पेट्रोल पंप था, वहां पर भी प्रधानमंत्री जी सिलेंडर लेके खड़े थे। हमें जानने की इच्छा हुई कि भैया ये इस योजना का बड़ा प्रचार कर रहे हैं, क्या है उज्ज्वला उज्ज्वला उज्ज्वला। तो जब हमने जानने की कोशिश करी अध्यक्ष जी, तो पता लगा कि प्रधानमंत्री जी दावा कर रहे हैं कि 12 करोड़ गरीबों का सिलेंडर दिए थे, और सीएजी का रिपोर्ट कहता है कि 12 करोड़ सिलेंडर में से 9.5 करोड़ लोगों ने रिफिल तक नहीं कराया। ये तो वही वाली बात होगी कि कोई आपको ऑडी कार दे दे और आपकी तनख्वाह 15,000 रुपया है, तो आप उसका तेल कैसे अफोर्ड करोगे और आप उसकी सर्विसिंग कैसे कराओगे, वो तो रद्दी हो जाएगा। ऐसे इनकी सिलेंडर योजना है। इन्होंने एक योजना जिसकी बड़ी ये चर्चा करते हैं, आयुष्मान भारत करते हैं ना, और दिल्ली के मुख्यमंत्री पे हमेशा आरोप लगाते हैं कि दिल्ली में लागू नहीं करता। उस आयुष्मान भारत के बारे में सीएजी की रिपोर्ट जो इन्हीं की सरकार लोकसभा में और पार्लियामेंट के अंदर में टेबल करती है, वो कहता है कि एक नंबर है VIP नंबर। पहले दिल्ली में लोग बहुत VIP नंबर के लिए पैसा खर्च करते थे, 9999999999 करके 10 बार। उस नंबर पे 10 लाख लोग रजिस्टर्ड हैं आयुष्मान भारत के लिए। ये फेल्ड लोग फेल्ड योजना चलाते हैं। एक बार एक चाइना का राष्ट्रपति था माओ, तो वहां पर भुखमरी हो गई, 4.5 करोड़ लोग मर गए। सुनिए, विषय पर ही बोल रहा हूं। 4.5 करोड़ लोग मर गए तो सारा चिड़िया मरवा दिया, बोला कि फसल खराब कर देता है। इसी तरीके से इकॉनमी नहीं सुधर रही थी तो ये लोग नोटबंदी कर दिए, इकॉनमी और गर्क हो गया। तो कहने का मतलब है, जिस चौथी पास राजा का स्टोरी इस सदन में बहुत बार सुनाया गया है, ये लोग खुद तो कुछ कर नहीं सकते, और जो कर रहा है इनके नेता ही कहते थे अंत्योदय करेंगे। पंक्ति में खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति कहां रहता है? दिल्ली के झुग्गी झोपड़ियों में रहता है, कच्ची कॉलोनी में रहता है। उसके लिए कोई काम कर रहा है तो अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। और आप सोचिए कि पीने का पानी से ज्यादा मूलभूत कोई चीज हो सकती है? पानी ये रोकेंगे, मोहल्ला क्लिनिक की दवाई ये रोकेंगे, गरीबों का पेंशन ये रोकेंगे, बिजली सब्सिडी कैसे खत्म हो उसकी षड्यंत्र ये करेंगे, तो कैसे काम चलेगा? दिल्ली की जनता ने केजरीवाल सरकार को हम लोगों को क्यों चुना है? उनकी सेवा करने के लिए चुना है। आज अगर हमारी चर्चा न्यूयॉर्क टाइम्स में हो रही है, हमारी शिक्षा व्यवस्था की चर्चा हो रही है, स्कूल अस्पताल की चर्चा हो रही है, तो ये काम के बदौलत हो रहा है। तो सर जी, काम करना सीखो, कंपटीशन करना है तो ये करो कि ये हम भी कैसे मोहल्ला क्लिनिक भाजपा के राज्यों में बना सके। पीने का पानी रोक करके कुछ नहीं मिलेगा, पाप मिलेगा, और बद्दुआएं मिलेगी, मिल भी रही है। और दिल्ली की जनता को बेवकूफ मत समझना, यहाँ के लोग बड़े समझदार हैं, और समझदार नहीं होते तो 25 साल का बनवास भाजपा को अभी तक नहीं मिलता। समझदार है, 25 साल से आपको सत्ता से दूर रखा है, लेकिन जो आपके कर्म है ये 25 साल और आपको दूर रखेगा इस षड्यंत्र करने के बजाय। काम करने दो, दिल्ली की जनता की सेवा करो। बहुत बहुत धन्यवाद।